एक घर था, उसमें 6 लोग थे। एक दिन सबको नदी के पार जाना था। अब नदी में था 6 फीट पानी। परिवार की मालकिन डर रही थी, लेकिन मुखिया ने कहा घबराओ मत, क्योंकि मुखिया का गणित था कि परिवार के 6 सदस्यों की औसत लंबाई 6 फीट से ज़्यादा थी। तो दावा ये कि थेरी के हिसाब से कोई डूब नहीं सकता, मगर व्यक्ति का डूबना औसत गहराई से तय नहीं होता। 6 के 6 लोग डूब गए। ये कहानी एक नेता ने विधायक दल की एक मीटिंग में सुनाई थी, क्योंकि उसकी पार्टी भी डूब गई थी। कहानी का मर्म ये कि थ्योरी कभी असल जिंदगी के सबक पर हावी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश के उस नेता की कहानी जो कहता था कि उसे धोखे से राजनीति में लाया गया। वो 2 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन नसीब ऐसा कि दोनों बार बर्खास्त कर दिया गया। नाम सुंदरलाल पटवा। कुशाभाव ठाकरे ने मध्य प्रदेश में जनसंघ को खड़ा किया। इसी सिलसिले में 1957 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो एक बार मंदसौर गए। मंदसौर के ही कुकड़ेश्वर कस्बे में था मन्नालाल पटवा का घर। कुशाभाव को मन्नालाल के बेटे से मिलना था। नाम सुंदरलाल पटवा। बोले, तुम्हें मनासा से चुनाव लड़ना है। सुंदरलाल ने साफ इनकार कर दिया। ठाकरे ने संघ से दबाव डलवाया, क्योंकि 11 नवंबर 1924 की पैदाइश वाले पटवा 17 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े थे। पूरे 6 साल प्रचारक भी रहे थे। पटवा फिर भी नहीं माने, तो जनसंघ का टिकट दिया गया रामचंद्र बसेर को। अब हुआ ये कि जब पटवा बसेर का पर्चा भरवाने निर्वाचन कार्यालय गए, तभी कार्यकर्ताओं ने पटवा का पर्चा भी भरवा दिया डमी कैंडिडेट के तौर पर। नामांकन चेक होने पर बसेर का पर्चा भी दुरुस्त, पटवा का भी। पटवा ने कहा, नाम वापस ले लेता हूं। तो कार्यकर्ताओं ने बात गोलमोल कर दी। फिर ऊपर से इशारा हुआ और बसेर ने धीरे से अपना नाम वापस ले लिया। पटवा को मालूम चला तो वो अड़ गए। बोले, अब तो चुनाव नहीं ही लड़ूंगा। तब पटवा को समझाया गया कि आप नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस बिना लड़े ही जीत जाएगी, क्या आप यही चाहते हैं? पटवा चुनाव लड़े और जीते भी, और इस तरह कुशाभाऊ ने पटवा को चुनावी राजनीति में उतारा, पर धोखे से। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 1980 की शुरुआत में वीरेंद्र सखलेचा ने इस्तीफा दे दिया और तब पटवा मुख्यमंत्री बने। तारीख थी 20 जनवरी 1980, लेकिन पटवा के सीएम बनने तक दिल्ली बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा ने सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों के अंदर तमाम गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। टू बी प्रिसाइज, शपथ लेने के 29वें दिन यानी कि 17 फरवरी 1980 को पटवा को बर्खास्त कर दिया गया। फिर विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने वापसी की और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। कुशाभाऊ ने पटवा को अब अगली पारी के लिए तैयार करना शुरू किया। बस्तर से झाबुआ तक की यात्रा निकलवाई। पटवा को एमपी के लोग चेहरे से पहचानने लगे। सुंदरलाल पटवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। इसके बाद भाजपा 10 साल सत्ता से दूर रही, लेकिन 1989 तक अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर गर्मी बढ़ने लगी। पालमपुर में भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा अपने कोर एजेंडे में शामिल कर लिया। राम के नाम पर राजनीति पूरी रफ्तार से होने लगी और इसका फायदा मिला मार्च 1990 में भाजपा को। मध्य प्रदेश विधानसभा में पार्टी ने 320 में से 220 सीटों पर जीत हासिल की। सुंदरलाल पटवा सीधे मुख्यमंत्री बनते, लेकिन कुशाभाऊ जानते थे कि कैलाश जोशी पक्का दावेदारी ठोकेंगे, इसलिए उन्होंने भाजपा संसदीय बोर्ड से कहकर कैलाश जोशी को ही पटवा का नाम आगे करने की जिम्मेदारी दिलवा दी। कैलाश जोशी एक आखिरी कोशिश की शक्ल में बात विधायक दल में चुनाव तक ले गए। भोपाल के रविंद्र भवन में बैठक बुलाई गई। विजय राजे सिंधिया पर्यवेक्षक बनकर भोपाल आई। स्टेशन पर भाजपाइयों के गुट ने सिंधिया के सामने कैलाश जोशी जिंदाबाद और सुंदरलाल पटवा मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, लेकिन वोटिंग में जोशी को दर्जन भर से भी कम वोट पड़े और इस तरह 10 साल के इंतजार के बाद 5 मार्च 1990 को भोपाल के लाल परेड मैदान में सुंदरलाल पटवा ने एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।
मध्य प्रदेश के सारे बड़े शहरों में सड़कों पर भयंकर अतिक्रमण था। पटवा ने इन सबको तुड़वाया। इस अभियान के इंचार्ज थे बाबूलाल गौर, वो बुलडोजर लाल कहलाने लगे। इसी अभियान में एक कांड हो गया। इंदौर में एक इलाका है बॉम्बे बाजार, यहाँ उन दिनों ढेर सारे अवैध काम होते थे। इलाका सकरी गलियों वाला था और वहां चलती थी गुंडे बाला बेग की। बेग का आतंक था, पुलिस 40-50 की संख्या से नीचे छापा मारने जाती ही नहीं थी। बॉम्बे बाजार में अतिक्रमण तोड़ने के लिए नगर निगम के साथ पुलिस भी गई, लेकिन बाला बेग के इशारे पर उपद्रव हो गया। इसके बाद एसपी अनिल धस्माना पूरी फोर्स लेकर पहुंचे। एक गली में धस्माना को निशाना बनाकर एक छत से सिल फेंकी गई। सिल धस्माना के ठीक बगल में खड़े गनमैन छेदीलाल पर गिरी और मौके पर ही उनकी जान चली गई। इसके बाद न सिर्फ बाला बेग को गिरफ्तार किया गया, बल्कि पूरे इलाके में हथकड़ी डालकर उसका जुलूस भी निकाला गया। यही भोपाल में मुख्तार मलिक के साथ भी हुआ। पटवा ने इस पर क्या कहा? मैंने अभियान नहीं चलाया, केवल 10 प्रमुख गुंडों पर कार्रवाई की, बाकी खुद सुधर गए। मध्य प्रदेश में आज भी पुलिस वाले नियमित तौर पर गुंडों का जुलूस निकालते हैं ताकि लोगों में उनका खौफ कम हो। लेकिन ये भी तथ्य है कि श्रमिक नेता और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शंकर गुहा नियोगी की हत्या पटवा के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। पटवा ने मुख्यमंत्री रहते अपने गांव कुकलेश्वर में एक बड़ा समारोह आयोजित करवाया। इसमें उनके पिता मन्नालाल पटवा की मूर्ति का अनावरण होना था। दावत थी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को। आकाशवाणी ने कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करते हुए मन्नालाल के आगे स्वतंत्रता सेनानी जोड़ दिया। असल में मन्नालाल एक सामान्य कारोबारी रहे थे, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कहा कि मुख्यमंत्री अपने पिता को जबरन स्वतंत्रता सेनानी बताना चाहते हैं। और यहां बात खत्म नहीं हुई। इस कार्यक्रम में लगे लाव लश्कर पर स्वदेश अखबार के संपादक ने हस्ताक्षर सहित एक लंबी संपादकीय आलोचना छाप दी। स्वदेश का संपादन कभी अटल बिहारी वाजपेयी करते थे और उसे भाजपा की विचारधारा के करीब माना जाता था। इसने फिजूल खर्ची के इल्जाम को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। पटवा ने तिलमिलाहट में अखबार के सारे सरकारी विज्ञापन बंद करवा दिए। बाद में मामला ठंडा हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र लोगों के जेहन से गया नहीं। वो इसलिए कि पटवा किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे थे, जबकि ये पार्टी का प्रमुख वादा था। पटवा पैसे के लिए केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, नाबार्ड आदि से खूब लड़े, लेकिन पैसा तो उनके पास भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पटवा 640 करोड़ रुपए ला पाए, पर यह कर्ज माफी केवल 10,000 रुपए तक के लोन पर ही हो पाई। एक काम जिसके लिए पटवा की तारीफ हुई वो ये कि वन भूमि पर आदिवासियों को पट्टा मिल गया। लेकिन आदिवासी पटवा को दुआ देते उससे पहले ही पटवा ने वो नियम खत्म कर दिया जिसके तहत आदिवासी निजी इस्तेमाल के लिए शराब बना सकते थे। पटवा ने शराब का काम ठेकेदारों को दिलवा दिया। पटवा मिले जुले नतीजे दे रहे थे, लेकिन गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ ही रही थी। तभी 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और दंगे भड़क गए। अगले ही दिन बंबई और सूरत के बाद सबसे भयानक कत्लेआम भोपाल में हुआ। करीब 140 लोग मार दिए गए। दंगा बढ़ा तो भोपाल के कलेक्टर और एसपी सीएम आवास पहुंचे। पत्रकार राजेश सिरोठिया कहते हैं कि ये अधिकारी पटवा से कर्फ्यू लगाने का आदेश लेने गए थे, लेकिन पटवा का उन दिनों पेट बहुत खराब रहता था और वे काफ़ी समय बाथरूम में बिताते थे। इसलिए बातें चल पड़ी कि भोपाल में कर्फ्यू लगाने में देरी इसलिए हुई कि पटवा बाथरूम में थे। लेकिन नरसिम्हा राव ने देर नहीं की। 15 दिसंबर को भाजपा की बची कुची 3 सरकारें भी बर्खास्त कर दी गईं, तो फिर पटवा भी नप गए। इतिहास अगर और मगर की कहानी है। ये सच है कि पटवा केंद्र से बर्खास्त हुए, लेकिन क्या एक निर्बाध शासन को वो भुना पाते? 1993 के विधानसभा चुनाव में राम लहर के बावजूद भाजपा को मिली करारी हार को कैसे समझा जाए? जवाब है पटवा का राज समझकर। पटवा ने ट्रांसफर का काम सचिवालय के अधिकारियों को सौंप दिया था। इससे भाजपा नेताओं के पास आने वाली खाद पानी पर लगाम लग गई। दबाव बना तो पटवा को फिर ये अधिकार मंत्रियों को लौटाने पड़े, लेकिन नाराजगी नहीं गई। पटवा ने चेतावनियां भी नज़रअंदाज की।
1991 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा 12 सीटें ही जीत पाई जबकि कांग्रेस का स्कोर था 27। संघ ने कहा पटवा की कार्यप्रणाली में गंभीर दोष है। इसके बाद पटवा के ही कैबिनेट में मंत्री शीतला सहाय के घर नेतृत्व परिवर्तन के लिए ज्ञापन तैयार हुआ। 71 विधायकों ने इस पर दस्तखत भी कर दिए। कुशाभाऊ ने पटवा को बचा तो लिया लेकिन पटवा ने संयम खो दिया। बदला लेने के लिए 71 में से 56 के टिकट कटवा दिए। इससे बगावत तो नहीं दबी, 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी जरूर छोड़ दी। जो अनुशासन संघ का गोंद है उस पर पटवा का ध्यान कम रहा। गुटबाजी ऐसी हुई कि कैलाश जोशी को किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया और कुशाभाऊ ठाकरे को भी देशभर की जिम्मेदारियां मिलने लगी तो उनका बेस दिल्ली हो गया। पटवा की आदत थी कि वो जेब में काजू रखते, बैठकों में चुपके से गप्पा मार लेते और किसी को मालूम नहीं चलता। उन्हें लगा कि वो अपने विरोधियों को भी ऐसे ही चुपके से निपटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लगभग हर कद्दावर नेता से अदावत मोल ले ली थी। नाम उमा भारती हो या विक्रम वर्मा, कैलाश जोशी या वीरेंद्र सखलेचा, उमा पर नजर रखने के लिए पटवा ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बेबी राजा को संसदीय सचिव बनाकर भेज दिया। वो नाराज होकर सीधा पटवा के बंगले पर पहुंची, अपने कार्यकर्ताओं के कुछ काम बताए और फिर बिफर कर बोली, मैं साध्वी हूं, आपको हमारे सारे काम करने चाहिए। पटवा को वाक्पटुता सूझ रही थी। बोले, तुम साधु नहीं हो, साधु तो वह होता है जो तालाब में डूबते बिच्छू को हथेली पर रखकर बचाता है, बिच्छू काटता है और फिर पानी में गिर जाता है, साधु फिर बचाता है। उमा ने भी जवाब रसीद कर दिया। बोली, अरे पटवा जी, वही तो कह रही हूँ, ये काटना कब बंद करोगे। यही कुछ वजह नहीं जिनके चलते 93 के चुनाव में खुद पटवा ने तो अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को भोजपुर में हरा दिया, लेकिन सरकार नहीं बना सके। बीजेपी 116 सीटों पर सिमट गई और इस हार के बाद सुंदरलाल पटवा ने भाजपा विधायकों को वो कहानी सुनाई जो आपने इस एपिसोड की शुरुआत में सुनी। पटवा ये कहानी सुनाकर जिस अति आत्मविश्वास और भीतरघात की ओर इशारा कर रहे थे वो खुद भी उनका कारण थे और शिकार भी। उन्नीस सौ 96 के लोकसभा चुनाव में जैन हवाला कांड में नाम आने के कारण छिंदवाड़ा में अंगद के पांव की तरह जमे कमलनाथ का टिकट कटा, लेकिन पत्नी अलकानाथ चुनाव में उतरी और जीत गईं। कमलनाथ वापसी के लिए बेताब थे और उसका असली मजा इसी बात में था कि सत्ता के गलियारों में सांसद बनकर घूमा जाए। सीताराम केसरी से आश्वासन पाकर कमलनाथ ने पत्नी का इस्तीफा करवाया और उपचुनाव के लिए पर्चा भर दिया। छिंदवाड़ा की जनता को ये बात ज्यादा जमी नहीं, पटवा इस बात को भांप गए। जिस दिन कमलनाथ ने नामांकन किया, बल्कि जिस समय किया, उसी समय पटवा अपने कागज पत्र लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंच गए। पूरे सूबे की भाजपा जुटी तो इतिहास में पहली बार छिंदवाड़ा सीट छिका ली गई, कमलनाथ हार गए। हार के बाद इसे भाजपा की जीत से ज्यादा कमलनाथ की भूल बताया गया और इन बातों को बल मिला एक दूसरी थ्योरी से कि कमलनाथ को सांसदी जितना ही प्यारा था लुटियंस जोन के कैनिंग लेन में बना उनका सरकारी बंगला। ये बंगला वरिष्ठ सांसदों को ही आवंटित होता था, कमलनाथ कई बार के सांसद और मंत्री, लेकिन अब वो सांसद नहीं थे और लाख चाहकर भी वो पहली बार की सांसद यानी अपनी पत्नी को ये बंगला अलॉट नहीं करवा पाए। बंगला खाली करने का नोटिस आ गया, तब कमलनाथ ने पत्नी का इस्तीफा करवाया ताकि खुद सांसदी जीत कर बंगला सुरक्षित कर सके। कमलनाथ ने 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में अपने अपमान का बदला ले लिया, पटवा को दोगुने मार्जिन से हराकर, लेकिन पटवा आज भी जायंट किलर कहलाते हैं। उन्नीस सौ 96 और 98 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ हिम्मत बंधी तो भाजपा ने एमपी में वापसी के लिए नरेंद्र मोदी को प्रभारी बनाकर भेजा। मोदी के प्रति नापसंदगी जाहिर करने में पटवा आगे रहे। कुशाभाऊ ठाकरे से वो बोल गए कि जब हम एमपी का चुनाव जीतने ही जा रहे हैं तो मोदी के सिर जीत का सहरा क्यों बंधना, बाहर का आदमी मध्य प्रदेश में आकर क्या कर सकता है। अंतर्कलह से ग्रसित भाजपा ने ये चुनाव पिछली बार की तरह ही गंवा दिया। इसके बाद 1999 में पटवा होशंगाबाद से सांसदी जीतकर अटल सरकार में मंत्री बने, पर धीमे-धीमे मध्य प्रदेश में उनका रसूख कम हो गया। 28 दिसंबर 2016 पटवा ने अंतिम सांस ली तो वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे जिन्हें उन्होंने एक वक्त बाहरी बताया था। मोदी खुद उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
कहा जाता है कि ये मोदी थे जिनके आने की खबर पर शिवराज ने राजकीय शोक की घोषणा की। उन शिवराज ने जिन्हें पटवा ने ही युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, पर यही राजनीति है, यहाँ कब कोई घर वाला बाहरी हो जाए और कब कोई बाहरी अपना कहा नहीं जा सकता। और जाते जाते एक और फैक्ट, आपने इस किस्से में इंदौर के एसपी अनिल धस्माना का जिक्र सुना जिन्होंने बाला बेग को गिरफ्तार किया था। धस्माना आगे चलकर रॉ के मुखिया बने। मुख्यमंत्री के अगले किस्से में बताएंगे आपको उस नेता की कहानी जो एक लॉटरी के चक्कर में निपट गया। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज। इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो दी लल्लनटॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज दी लल्लनटॉप को लाइक करें। और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर उस ऐप को डाउनलोड करें क्योंकि यहीं पर सबसे पहले अपलोड होते हैं पॉलिटिकल किस्से। शुक्रिया।